और कहा जाता है कि एक आदमी ने भूतों की हत्या की है और ये कहानी को भले ही ये रियल कहानी है और ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी और घटना है द स्टेट ऑफ मर्डर और कह सकते हैं द मर्डर ऑफ घोस्ट। ऐसे ही ये कहानी बहुत मशहूर है और ये सब कुछ बात आती है एक जगह की जो कि मैं आपको एंडिंग में बताऊंगी कि वो जगह क्या है। वो जगह में अभी भी माना जाता है कि अभी भी वहां पर भूतों का समय। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इस सारी ही बातों से आप अंदाजा है कि क्या क्या इस दुनिया में हो सकता है। इस जो घटना है इस पर ही कार्रवाई भी की गई थी। इस पर कोर्ट पर भी कार्रवाई जो केस लेके जाया गया था उस आदमी की गिरफ्तारी भी हुई और बाद में वो बेब नाम से उपायजत बनाई भी हो गया था। इसी के साथ ये जो कहानी है इसे 63 या 62 ईयर से पुरानी है और इसके पहले ही बहुत साल पहले ही इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट आए थे, बहुत से अलग अलग बयान दिए गए थे। उसके बाद इस आदमी की गिरफ्तारी हुई, रिहाई हुई, फिर से गिरफ्तारी हुई और फिर से रिहाई और उस आदमी को बरी भी कर दिया गया। इस जो कहानी है इस कहानी का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि ये जहाँ की जो कहानी है जो अहम गढ़ की कहानी है इस कहानी को बहुत ही एपिक करके एक दर्जे में लिया जाता है क्योंकि ये कहानी और ये जो केस है कुछ इस तरह का था और इस तरह का इसने कुछ मोड़ लिया था कि वहाँ पर बताया जा रहा था कि उस आदमी ने उस व्यक्ति ने एक ही नहीं कई भूतों की उसने हत्या की और एक केस आज भी उन दस्तावेजों में दाखिल है जिस पर इस चीज की कार्रवाई भी हो चुकी थी। उसके केस के फाइल्स में भी आज भी ये केस माना जाता है और ऐसा एक ही केस नहीं बहुत से केस सामने आए थे। उस केस के बाद में और बाद में कुछ केस के जो आर्टिकल्स है जो कि आपको पता चलेगा कि इस कहानी के एंडिंग में आप अलग अलग आर्टिकल्स से बहुत रूबरू कराए हूँ आपको। ऐसी कहानियां हैं, ये कहानी है एक 63-62 साल पुरानी और ये केस भी 63-62 साल पुराना है जहाँ पर 1958 मई 1958 की कहानी है जहाँ पर उड़ीसा में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको बता दूँ कि जगह कौन सी तो बता दें कि उड़ीसा में मई 1958 एक बहुत ही ऐसा कह सकते थे हवाई अड्डा या फिर छोटा हवाई अड्डा जैसे कहते थे एयर ड्रोम कहते थे। इसे कहा जाता है कि छोटा हवाई अड्डा हुआ करता था ये उस टाइम पर। उस टाइम पर बहुत से आना जाना इस एयरक्राफ्ट का यहाँ पर छोटे हवाई अड्डे पे भी होता था। बहुत सारे सामान रखे गए थे और इस गांव में एक गांव के अंदर ये एयर ड्रोप हुआ जाता था। यहाँ पर एक आदमी को भी दो आदमी को भी यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी ताकि वो इस चीज की इसके अंदर जो भी कीमती चीजें रखी गई है उसकी वो रखवाली करे। लेकिन कहा जाता था कि रात के समय में उस हवाई अड्डे पे बहुत से भूत वहां पर घूमते रहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतते गए वैसे वैसे ये जगह भी पुरानी होती गई। जो चीज मौल्यवान थी वो चीज अब खंडर में या कह सकते हैं कबाड़ में बिकने लायक हो चुकी थी। अब जैसे जैसे इस जगह का वक्त बीतते गया लेकिन वहां की ड्यूटी करने वाले लोग तभी भी वहां पर अपनी ड्यूटी निभाते थे। बस रात के समय वहां से दूर ही रहना लोग अपने लिए सेफ मानते थे। जो एयर ड्रोम था या कह सकते जो छोटा हवाई अड्डा था वो वहां पर उसके आर पार दोनों साइड में गांव हुआ करते थे। लेफ्ट साइड में भी गांव हुआ करता था, राइट में भी गांव हुआ करता था। लेकिन अगर कोई रात के वक्त उस राइट साइड वाला आदमी अगर चले गया है, लेफ्ट साइड में रहने वाला आदमी अगर राइट साइड चले गया लेकिन अगर वो दूसरे गांव अगर उस हवाई अड्डे के पास पूरे से अगर वो जाना चाहे हवाई अड्डे को पार करना सबके लिए मुश्किल हुआ करता था। इसी बीच जब रात को इस समय में जब 7 से 12 का सुबह तक का जो भी वक्त होता है इस 7 से 6 के बीच में कोई भी उस हवाई अड्डे पर जाने का या फिर उसे पार करने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि सबका मानना था कि वहां पर कोई भूत या कोई चुड़ैल का साया रहता है। इसी बीच बहुत से लोगों ने उसे अपनी आंखों से भी देखा, ऐसा कहना है बहुत से लोग कहानियां भूत जाते थे। इसी बीच गाँव के लोग तब
यानी आज से 100 साल पुराना ही पकड़ लीजिए, 65 साल पुरानी ये जो बात है, तब लोग उतना साइंस पर इतना बिलीव नहीं करते थे, जो भी गांव रहवासी थे। इसी बीच जो अंदर जो सामान रखा था एयरक्राफ्ट का, वो बहुत ही कई कई दिन होने के बाद भी पुराना हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो खंडर के हिस्से में आ चुका था, उसके जो अंदर में ये वेग इंतहा जो सामान रखा गया था, मूल्यवान सामान रखा गया था, वो अब यानी तब के वक्त में, वक्त के साथ साथ जैसा जैसा गुजरता जा गया था, वैसे वैसे उसके अंदर की रखी गई चीजें सारी पुरानी होती गई, खंडर होती गई। और जो अंदर चीज रखी गई थी उसका मोल सिर्फ वो कुछ ही लोग जानते थे, जिन लोगों के उस अंदर रखे गए सामान की कीमत उनके पुराने होने के बाद उन्हें पता थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, गवर्नमेंट ने भी जब इस खंडर पर ध्यान देना बंद कर दिया गया, एयरक्राफ्ट भी वहां पर आना जाना बहुत ही कम होते होते वो एक अचानक से बंद ही हो गया था। इसी बीच कोई भी एयरक्राफ्ट वहां पर रुकने का अपना विचार नहीं करते थे। इसी के साथ साथ एक आदमी था जो कि बंगाल में रहते थे, बंगाल से दो लोग आए, एक दिवाकर और एक गोविंद। दिवाकर और गोविंद ये कोलकाता से इस ओडिशा में आए और इन्हें पता था कि ये जो खंडर की या कह सकते हैं जो जगह है यहाँ पर, इसे जो बेचना था इन्हें एयरक्राफ्ट की जगह को, जब इसे बेचना था तब बहुत सी लंबी प्रोसेस होगी, लीगली जो प्रोसेस होती है बहुत ही लंबी मानी जाती है, तो उन्हें पता था कि यहाँ पर इन्हें शायद स्टे करना पड़ सकता है, तो उन्होंने घर खरीद लिया। तो उन्होंने घर से निकलते समय ही इस गाँव में आने के सोचने तक वहां पर एक किराए का मकान ले लिया, और किराए के मकान में वो रहते थे राम गोविंदपुर के एक इलाके में। और ये कहानी को बहुत ही कहा जाता है, ये बलासोर जिले के रसोगोविंदपुर की है, रसोगोविंदपुर की ये जो बलासोर जिला है वहाँ की ये कहानी है उड़ीसा। और इसे उस समय यानी मई 1958 में ये सारी घटना सामने आई। इसके बाद जो राम बंधु करके एक व्यक्ति था जो कि इस हवाई अड्डे के पास ही उसकी एक चाय की स्टॉल थी और चाय की दुकान थी, और वहीं पर ही अपना गुजारा करता था, और रात के वक्त सारे ही सन्नाटे में इस इलाके में अकेला छोड़ दिया जाता था, जाया करते थे इस इलाके को, इस हवाई अड्डे को। इसी के साथ जो राम बंधु था वो इनकी पूरी तरफदारी करने लगा, इनके साथ साथ रहने लगा, जो भी कोलकाता से आए थे शायद उसका जो भी कुछ हेतु होगा, लेकिन वो उसके साथ साथ रहा करता था, उनकी अच्छी हेल्प वगैरह करता था। इसी बीच एक आदमी जो कि उस हवाई अड्डे के उस पार चले गया था कुछ काम के सिलसिले में, उसे रात हो गई थी आते वक्त और उसे जाना था अपने घर, और जिस साइड में ये आदमी रुका था या फिर रह गया था, वो कहता है कि हमें यहाँ पर रहने दीजिए, हवाई अड्डे पर भूत है, हमें कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। ये बात जैसे ही दोनों तीनों ने सुनी, वैसे ही इनके अंदर एक इंटरेस्ट जगा कि क्या सच में वहां पर भूत रहता, जो कि कलकत्ता से यहाँ पर आए थे, अपने ओडिशा में आए थे, उस प्रॉपर्टी के सिलसिले में कुछ लीगल स्टेट के जो काम था उसे पूरा करने के लिए, उसे बेचने के लिए जो भी खरीदारी करनी था। इसी बीच जो भी इन्हें रुकना था, तो अभी उसके बात पर ना विश्वास करते हुए इन्होंने कहा कि हम आपको आपके घर छोड़कर आते हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमें भी भूत देखने का बहुत इंटरेस्ट है, तो शायद हमें कोई भूत दिख जाए, कोई आत्मा दिख जाए, कोई साया दिख जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा। इसी बीच राम बंधु जो उनके साथ आया था, जो कोलकाता से आए थे राजगोविंद और मिस्टर चटर्जी ब्रदर्स जो कि कोलकाता से आए थे यहाँ पर, चटर्जी ब्रदर्स और दिवाकर गोविंद और ये राम बंधु, ये चारों लोग पहले तो जाने का सोचते हैं, इसके साथ में जो राम गोविंद है वो बता दे कि वहां का नौकर समय जैसा था, और दिवाकर वहां पर जान, दिवाकर जो व्यक्ति था वो बाहर से आया हुआ था, दिवाकर को छोड़ने के सिलसिले में ये उस हवाई अड्डे को रात को जिस समय में कोई भी वहां पर भटकने का इच्छा नहीं रखता, उस जगह को पार कर कर ये दूसरे गांव उसे छोड़ने जाते थे। अब जाते वक्त तो इन्हें कुछ भी नहीं मिला, बराबर उसे अपने भलावादी ने उसे अपने घर छोड़ दिया गया उस व्यक्ति को, लेकिन लौटते वक्त कुछ ऐसा हुआ कि जिसे सोच कर भी आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो मैंने अभी जब ये कहानी सुनी तब मेरे भी होश उड़ गए थे, क्योंकि इस कहानी में अब मोड़ आया, क्योंकि कहानी अभी तक की तो सिर्फ सिलसिलेवार चलती है, लेकिन अभी इस कहानी में जब मोड़ आया तब इसमें और इंटरेस्ट आया। तो बताते हैं आप कहानी क्या है।
कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आता है कि जब ये हवाई अड्डे पर वापस आते हैं या फिर हवाई अड्डे को पार करने के लिए वापस वहां से गुजरते हैं, तब इन्हें कुछ दूर से हवाएं चल रही थी, तब बारिश का कुछ मौसम चल रहा होगा, इसी बीच कुछ हवाएं चल रही थी, कुछ रोशनी वहां पर उन्हें दिखने लगी, तो इनका मन हुआ कि चलो वहां पर भूत है, हमें देखना चाहिए। लेकिन जो राम बंधु था, ये थोड़ा शातिर दिमाग का था, इसने अपने साथ में एक कह सकते हैं एक खुखली, उनके लैंग्वेज में कहते हैं खुखली, यानी बता दे कि एक छोटी सी चाकू या फिर छोटा सा एक ऐसा छोटा चाकू वगैरह उसने अपने साथ रखा था, जो भी छुरा कह सकते हैं उसने अपने साथ रखा था, साथ ही उसने एक टॉर्च रखा था, इसी तो एक टॉर्च को और एक खुखली को यानी छोटी सी तलवार को कह सकते, छोटा सा चाकू को लेकर अपने साथ चले गया था फॉर उसकी सिक्योरिटी के लिए। और इसके पास में, इस नौकर के पास में, इस चाय वाले के पास में, ये सिर्फ दो चीज थी, बाकी सारे ही मिल करके निकल गए थे। जैसे उन्हें कुछ रोशनी उनकी तरफ आते हुए दिखी, ये राम बंधु इतनी तेजी से भागा कि ये दोनों पीछे के पीछे ही रह गए और वो सामने चले गया जहाँ पर वो लाइट्स उसके सामने आ रही थी, वो एकदम लाइट्स के पास चले गया और अपना ये खुखली यानी छोटी सी अपनी चाकू निकाल कर उन पर वार करने लगा। इसी बीच बहुत सारी आवाज आने लगी और इसने अपनी फटाफट कैसे तो भी पास से टॉर्च निकाला, देखा कि कौन है, कैसी आवाज आ रही है, कौन है। तो जैसे ही उसने वहां पर वार करना शुरू किया, महिलाओं की आवाज आने लगी उस साय में, उस काले ही धुएं में, वहां पर महिलाओं की आवाज आने लगी, बहुत सी चीख रही थी, बहुत सी चुप हो गई थी। अब जैसे ही इसने टॉर्च मारा, सबके होश उड़ गए और सबने कुछ ऐसा देखा कि जो वहां पर चीखे आंसू आ रही थी महिलाओं की, वो कोई दूसरी नहीं, गांव की पार रहने वाली एक महिला ही है, जो कि महिलाएं अपने घर पर घर के लिए कुछ लकड़ियां लेने उस जंगल में आई थी, या कह सकते उस हवाई अड्डे के पास में, जो भी जंगल से कुछ उनका काम होगा वहां पर, इसलिए वो आई थी। और वो कोई भूत नहीं, कोई रियल महिलाएं थी। और उन पर इसने चाकू, इस राम बंधु ने उन पर चाकू घोप कर उनके एक के उसी समय मृत्यु हो गई, एक बुरी तरह से घायल हो गई, तीसरी चुप थी जिसे कम घायल हो गई। और इसी बीच में ये जो मिस्टर चटर्जी है, ये भी बहुत उसके घायल हो गए थे, क्योंकि वो उनके पास चले गया था और ये सारे जो दोनों पीछे थे, दोनों पीछे में से एक सामने आकर देखने लगा कि मिल कर क्या था। इसी बीच मिस्टर चटर्जी बहुत ही ज्यादा घायल हो गए, सब ये जब बात सामने आई दूसरे दिन, तो दूसरे वहां पर जो पुलिस क्षेत्र था, वहां पर जो पुलिस क्षेत्र था, थाना था, वहां पर जैसे ही खबर पहुंची, इस राम बंधु को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद सब कुछ बयानबाजी हुए, बहुत कुछ सामने आया। इसी के बाद में जब पता चला कि राम बंधु तो निर्दोष है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगने लगा था कि उसने वो भूत को मार रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने वहां पर सच्ची महिलाओं को ही उसने वहां पर घायल कर दिया, इनकी तो वहां पर मृत्यु भी हो चुकी थी, अपने साथ के चटर्जी को भी उसने घायल कर चुका था, लेकिन अनजाने में ये सारी बातें सामने आई थी। ये जो मैंने आपको बताया कि ये बात है 20 मई 1958 की, क्योंकि तब 9:30 के करीब कुछ हो रहे थे और आते वक्त उन्हें 12 वगैरह बज चुके थे। अब धारा के बारे में आपको बता दूं कि धारा 88 यानी आर्टिकल 79 कहता है उन पर, जब ये राम बंधु पर आर्टिकल लगाया गया, इसके बारे में मैं आपको सामने बताया था, मैं आपको एंडिंग में इस आर्टिकल के बारे में नया कुछ समझाऊंगी। तो ये आर्टिकल 79 कहता है कि अगर कोई, या कह सकते हैं मिस्टर ऑफ फैक्ट्स, तो ये कहता है कि अगर वो व्यक्ति या जैसे राम बंधु, उसे पता ही नहीं था कि वहां पर कोई महिलाएं हैं, उसने अनजाने में, जैसे ही उसके दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि वहां पर साया है, चुड़ैल का है, जो कुछ भी है, और उसने अनजाने में अपना पास की सिक्योरिटी के लिए उनके पर उसके ऊपर वार किया, उस अंधेरे में वार किया, जैसे ही उसे पता चला उसके पास टॉर्च भी थी, क्योंकि वो इस कोर्ट के लॉ को वगैरह को जानता था, लेकिन अगर वो नहीं जानता तो शायद उसने जेल हो सकती थी। आगे इस कहानी में उसे जेल हुई, क्या हुआ, जिसके सामने क्या सामने में आया, ये तो अभी तक के पब्लिकली सामने आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आता है मैं आपको जरूर रिपोर्ट करूँ। तो ये थी आज की कहानी, आपको कहानी कैसी लगी इसी विषय में लीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक लेते रहिए 10 की 10 तक, नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।